हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी एकदम अच्छी हूँ और मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ नल पर, तो मैं यहाँ पर भर रही हूँ पानी भर के, क्योंकि हाथ का नल है तो सारा काम जो हमारे घर पर होता है वो नल से ही किया जाता है। जैसे या फिर नहाने का पानी हो, कपड़े धोने के लिए हो, या फिर किचन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी हो, कुछ भी हो, सारा काम हमारा होता है पानी से। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में सुबह सुबह करने से थोड़ा सा कसरत भी हो जाती है। कसरत कितना भी करो फिर भी मैं तो जैसी मोटी हूँ तो मोटी ही रहूँगी। पता नहीं मेरा फैट क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, जबकि इतना मैंने पता है थोड़ा बहुत ना हर चीज़ खाना बहुत कम कर दिया है, जैसे कि ऑयली वगैरह होता है, सारी चीज़ें कम कर दी, लेकिन मेरा वेट जो है वो पता नहीं क्यों बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल में नहीं हो रहा। हाँ फिलहाल कुछ टाइम पहले मेरा थोड़ा सा वेट कम हो गया था, लेकिन फिर से मेरा मोटी होती जा रही हूँ। मैंने डाइटिंग भी थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दी, जैसे रोटियों में जितनी जहाँ पर रोटियाँ खाती थी उसमें मैंने दो दो रोटी कम कर दी है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, अब हैं तो हैं। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसे दिखते हैं, भाई क्या करें, अब हम मोटे हैं तो पतले तो नहीं हो सकते। यहीं पर मैं थोड़ा सा मेरा वेट जो है वो 15 के अराउंड थोड़ा सा कम होता तो मैं भी थोड़ा सा पतली होती, तो फिर वीडियोस जो है वो उसमें आपको कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि वेट मेरा थोड़ा सा कम हो, जिससे कि मैं पतली हो जाऊँ और मेरी वीडियोज़ जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगे। लेकिन जब तक जैसी है ऐसी ही वीडियोज़ मुझे बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि मोटी हूँ तो फिर मोटे के साथ में आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद है तो देखनी भी पड़ेगी जब पतले हो जाएंगे। लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले का आप लोगों ने वीडियोस मेरी देखी होंगी तो उस टाइम पे मैं पतली थी और मेरी वीडियोस जो सारी अच्छी भी आती थी। इसमें अगर मैं देखो इसके नीचे जो वीडियोस का मैं लिंक शेयर करूंगी उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैं एकदम फिट थी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स ये देखिए दिव्यांश जो मेरे साथ कर रहा है मस्ती, तो वो गाना गा रहा था तो ना कूलर की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ना म्यूट कर दिया था थोड़ा सा, तो ये ना इतना मस्त आ रहा था आज तो कुछ ज़्यादा ही। नहाने के लिए कपड़े निकाल के लेकर आया तो ना गाना गा रहा था, मैं बाल बना के जाऊँ कहाँ और तैयार हूँ किसके लिए, तो ऐसे मुझे मटक मटक के करके दिखा रहा था। तो उसके साथ में मेरा थोड़ा सा मन लग जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही सच में ना पूरा दिन मेरा आराम से मन लग जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ कुछ कभी चटपटी सी बातें, कभी नौटंकी, कभी कुछ करता रहता है, कभी तो पता बहुत ही ऐसी ऐसी बातें करेगा जो कि कोई 20-30 साल का इंसान भी नहीं करेगा, बहुत ही इमोशनल वाली बातें। तो कभी कभी सैड भी हो जाती हूँ और कभी कभी इतना चटपटी बातें करेगा तो इतनी हंसी आती है बहुत ही ज़्यादा। तो वो मुझे अभी भी ना गाने करके सुना रहा था, तो मैं उसको आंसर दे रही थी, मैंने कि मुझको दिखाना और कहाँ जाएगा, तैयार होके मुझको दिखा देना, बाल बना के मुझे दिखा देना, क्योंकि ना अभी इंस्टाग्राम पे ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो चल रहे हैं और शॉर्ट वीडियोज़ में सॉन्ग ऐसे चलते रहते हैं ना, तो वो उनको याद कर लेता है। तो वही मेरे लिए गा रहा था कि बाल बनाऊँ किसके लिए और तैयार होके जाऊँ कहाँ, तो मैं उसको बस ऐसे ही चिढ़ा रही थी। तो फ्रेंड्स ना मैं बाहर आ गई थी और हम लोगों ना आज बहुत ही मस्ती की थी, क्योंकि मम्मी यहाँ पर घर पर नहीं थी, वो गई थी बाहर तो किसी के घर, तो मैं और दिव्यांश हम लोग दोनों ही हैं घर पर अकेले, तो हम लोग दोनों कर रहे थे बहुत ही मस्ती, थोड़ा सा डांस भी किया था और उसको वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो काफ़ी मस्ती की थी। उसके बाद में मैंने उसको बोला कि उसको बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, कैमरा पकड़ना, ये करना, तो मैंने कि चल ठीक है तुम पकड़, मैं ऊपर से झाड़ू उसको लगा के लेकर आती, क्योंकि जीने पे मम्मी नहीं चढ़ पाती हैं, तो गंदा पड़ा था, कई दिन हो गए थे झाड़ू उस पर लगी नहीं थी, तो आज सिर्फ मैं झाड़ू लगाऊंगी, आज मैं पानी से नहीं धोऊंगी, क्योंकि ना काफ़ी मेरे को लेट हो गया है, 11:30 बज रहे हैं, जबकि मैं अभी ना फ्री नहीं हुई हूँ, तो आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ ऊपर की, जो भी जाले वाले थे थोड़े बहुत वो सारे कर दूँगी, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी। तो फ्रेंड्स ये सामने जो है वो बाथरूम बना हुआ है और ये जो लाइट की केबल जो आप लोगों को दिख रही है ये सौर ऊर्जा की ऊपर से आ रही है, इससे ना यहाँ पर नीचे कनेक्शन दे दिया गया है, तो यहाँ पर ना पंखे वगैरह का यहाँ पर जो चिमटियाँ वो लग जाती हैं, और इसके नीचे ही इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, सीढ़ियों पे से जो वो रख दिया है जो सीढ़ी है, क्योंकि ऊपर फिर ना पानी में गीली हो जाती तो वो ख़राब हो गई थी पहले ही, तो पापा ने ना फिर नीचे ला के रख दी थी। मच्छरदानी भी यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि शाम को फिर जाते हैं तो यहीं से उठा के ले जाते हैं, तो जो भी ऊपर जाने का सामान वैसा होता है तो वो यहीं पर रख देते हैं।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा शेक हो रही है वीडियो, क्योंकि दिव्यांश, मैंने उसको बोला था कि नहीं मैं स्टैंड में लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्टैंड तो रहता ही है, लेकिन वो नहीं माना, कि वो रोने लगा था कि नहीं मुझे थोड़ी सी करनी है। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बना ले, उसके बाद में मैंने कि मैं फिर ले लूँगी कि हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हॉल में ही यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर भी काफ़ी बेड पड़ा, अंदर भी बेड पड़ा हुआ है और बाहर की साइड में वहाँ पे भी है, तो इतना स्पेस तो है नहीं है जितने कि यहाँ पर ना बेड हैं, तो यहाँ पर भी फिर बेड ही यहाँ पर बिछा दिए। तो सर्दियों में तो ठीक, गर्मियों में ये अपना बैठे रहते दिन में आराम से, रात को भी कूलर की इधर की साइड में चल जाता है, तो अपना टाइम ना कट जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने जो झाड़ू से ना सारी जो मिट्टी वगैरह थी वो सारा निकाल दिया है, तो मैं क्या सोच रही थी इस पर ना ऑरेंज कलर का जो पेंट है वो करवाएंगे, अभी तो नहीं लेकिन हाँ दीपावली के आसपास जो है ऑरेंज कलर का, और एक और कलर चूज़ करना है, दो कलर का मैं शेड करवा के इस पर करवाएंगे, तो वो थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा, क्योंकि डार्क कलर जो है सीढ़ियों पर वो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी तो केवल इस पर पुट्टी, और पुट्टी के ऊपर जो इसका पेंट होता है इसको क्या कहते हैं प्राइमर, वो शायद इस पर हो चुका है, ये दोनों चीज़ होगी, लेकिन अभी ना इस पर पेंट नहीं हुआ, क्योंकि पूरे घर में आप लोगों को दिखता है कि वो वाइट कलर लगा हुआ, तो केवल अभी यही सारा हुआ है, पूरा अभी नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के, और सफाई मैंने कर दी थी, पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया था, तो मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना और दिव्यांश के लिए, तो मम्मी पापा ने खाना खा चुके थे, मैंने उनको बोल दिया था मेरा खाना भी मत बनाना क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी, फिर ठंडा खाना हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने कि मैं अपना बाद में बना लूँगी, तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए और दिव्यांश के लिए खाना बना लेती हूँ। तो आज बनाई थी हम लोगों ने सब्जी में तोरई की सब्जी बनाई थी, और साथ में थोड़े से करेले कल शाम बनाए थे, तो करेले तो खराब वैसे भी नहीं होते, तो इसलिए करेले यहाँ पर रखे हुए हैं और थोड़ी सी तोरई रखी हुई है। तो देखती हूँ फ्रेंड्स, मुझे तोरई इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो जहाँ तक है वो करेले से ही खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ना मेरा खाना जो है वो बन चुका है, और खाना बनाने के बाद में मैं यहाँ पर ना इसको साफ कर देती हूँ स्लिप वगैरह को, तो हम दोनों अपना खाएंगे फिर बैठ के खाना। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये लोवर जो है वो मैं लेकर आई थी अभी जब मैं मार्केट गई थी, वहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि ना काफ़ी मेरे पास जो लोवर थे वो थे तो सही, लेकिन वो मेरे ना अब टाइट होने लगे थे, क्योंकि मेरा वेट जो है वो बढ़ने लगा है। मैं भी ना मैं क्या सोच रही थी कुछ टाइम बाद मैं अपना थोड़ा सा चेक करवाऊंगी, पता नहीं ऐसा तो नहीं है शायद कोई प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से मेरा वेट जो वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो देखती हूँ मैं किसी दिन मेरे को टाइम मिलता है तो मैं चेक करा के भी आऊँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो काफ़ी टाइट होते जा रहे, तो दिन पर दिन मुझे चेंज, मतलब ये मान लीजिए 6 महीने में कोई शूट हो या कोई भी चीज़ हो मेरे को फिटिंग। अभी मैं कुछ टाइम वहाँ रहने गई थी, तो वहाँ से जब मैं अभी यहाँ पर घर पर वापस आई कुछ टाइम पहले, मैंने जब सूट सिलवाए थे तो वो भी मैंने आके यहाँ पर अपने पहन के देखे थे, तो वो भी मेरे फिटिंग में थोड़ा सा टाइट होने लगे। तो इसलिए मैं पता क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट्स थे कि ना आप लोग कि जो कपड़े हैं वो आप शूट वगैरह पहनते हैं, कभी कोई कमेंट होता ही है कि कभी टी शर्ट और लोअर में आप व्लॉग लेकर आइए, इसमें व्लॉग लेकर आइए। तो फ्रेंड्स मैं ना गर्मी में वही कंफर्टेबल जो मेरे को फील होता है, जो मेरे को अच्छा लगता है, या फिर मेरे को जिसमें कंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं, उन्हीं कपड़ों को पहनती हूँ। और सूट वगैरह भाई मेरे से तो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि टी शर्ट और लोअर वगैरह बस जब तक मेरी अभी गर्मियाँ रहेंगी जून जुलाई, तो इस टाइम तो मेरा बस यही चलेगा, क्योंकि मैक्सी मैं पहनती नहीं हूँ, मैक्सी मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पहनने में। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं लोअर टी शर्ट को ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, जिसकी वजह से ही मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मेरी लोअर और टी शर्ट में ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर कोई भी न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर ना काफ़ी कॉमेडीज़ वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फेसबुक पर ऐसे ही आप लोग वीडियोज़ देखते रहिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर ना मेरा जो स्लिप वगैरह वो सारा काम कर दिया है ख़त्म, तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ अब खाना खाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना।